देवास जिले के कन्नौद नेमावर स्थित नर्मदा नदी उफान पर है। एहतियात के तौर पर पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। नर्मदा के तटीय क्षेत्र के रहने वाले ग्रामीणों को सावधान एवं सतर्क कर दिया गया है। पुलिस और होमगार्ड का बचाव दल बाढ़ की स्थिति से निपटने को पूरी तरह तैयार और सजग है। निचले इलाकों में लगातार मुनादी कराई जा रही है। निचली बस्तियों को खाली कराने के आदेश दे दिए गए हैं तथा उन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जा रहा है। जामनर नदी भी अभी स्थिर है। नर्मदा का जल स्तर 890 फीट चल रहा है। वरिष्ठ अधिकारी SDOP थाना प्रभारी नेमावर तहसीलदार के साथ ही राजस्व तथा पुलिस प्रशासन का अमला तैनात होकर लगातार जल स्तर पर नजर रखे हुए हैं। कन्नौज से कमल गर्ग की रिपोर्ट। बहुत अधिक बढ़ रहा है और अभी बरसी का पानी रात तक आ जाएगा यहाँ पे, है ना। 7-8 बजे पानी 15-20 फीट और बढ़ेगा, तो 15-20 फीट पानी बढ़ेगा तो फिर क्या स्थिति बनेगी आप समझ लो, है ना। इसलिए मैं सबसे आग्रह कर रहा हूँ कि सब लोग अपने यहाँ से सुरक्षित स्थान पे, कॉलेज में या फिर अपना चीच में जहाँ पहले अपने रखे थे वहाँ पे हम खाने पीने की व्यवस्था वहाँ सब करवा देंगे, है ना। सरपंच साहब, आप सब लोग तैयार रहे, एकदम अपना मन बना लें कि हमको सब यहाँ से चलना है। ऐसा नहीं है पिछले बार जैसा कि सब हम लोग खड़े साहब हमारी तुम्हारा मकान नहीं डूबा है, फिर मकान डूब जाएगा, फिर नाव पे आ गए हम, फिर नाव पे फिर जब आ गए फिर नाव बढ़ाई हम लोगों ने। ऐसा नहीं होना चाहिए, अपनी जान को खतरे में मत रखो। ये सब चीजें आ जाएंगी लेकिन जान है तो जहान है, समझ गए। मतलब इसको तुम ऐसे ही मत लो यार, आप लोग गंभीरता से लो इसको। ये पानी बहुत बढ़ेगा, पानी बहुत बढ़ेगा मैं बता रहा हूँ। हाँ, सब लोग ट्रैक्टर टाई लगवा दो गांव की और पूरे लोग अलर्ट रहेंगे, नहीं तो रात में फिर कैसे निकाल पाएंगे हम लोग। जानवर जो है अपने छोड़ दो, है ना। जानवर को बंधे मत लेने, नहीं तो वो मुश्किल में हो जाएंगे। उनको छोड़ दो अभी तो वो अपने निकल जाएंगे। और फिर जी अभी नीलकंठ और ये वाला रास्ता बंद हो जाएगा तो और ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। होने वाला रोड पे पानी आ गया है ना, तो अभी सब लोग तैयारी करो, थोड़ा सा अपना खाने पीने का सामान और थोड़ा बहुत सामान लेके तैयार रहो, ठीक है। हम लोग वहाँ पे व्यवस्था करवा देते स्कूलों में। नेमावर नदी में नर्मदा का जल स्तर 889 फीट पर है। मौके पर SDOP कन्नौद थाना प्रभारी नेमावर अपने पूरे होमगार्ड के जो नाविक हैं उनके साथ पूरे साजो सामान के साथ हैं। हमारा बोट भी तैयार है, हमने प्राइवेट नाविकों को भी हायर करके रखा है। मौके पर तहसीलदार भी हैं, जो तटवर्ती गांव हैं उन गांव पे हमने मुनादी भी कराई है। अभी बाढ़ की कोई ऐसी स्थिति नहीं है कि जिससे कोई जन धन हानि हो, लेकिन फिर भी हम नज़र रखे हुए हैं और लगातार बढ़ते जल स्तर को देखकर लोगों को हम सतर्क और जागरूक कर रहे हैं और स्थिति पर पूरी नज़र बनाए हुए हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।